दोस्तों आज हम आपके साथ फिर एक नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं। ये रेसिपी है हमारी। होता क्या है कि अक्सर हमारे घरों में इस तरीके से राइस बच जाते हैं और बचे हुए राइस को कोई खाना नहीं पसंद करता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक नया लुक दिया जाए। ये हमारे रात के बचे हुए चावल हैं। आप इस नाश्ते को ताजे चावल से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। हम इसको पहले जार में डालकर और इसको पीस कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने चावल को पीस कर रेडी कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। देखिए हमने अदरक और हरा मिर्चा भी ग्रेट कर लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने ये आधी कटोरी बेसन लिया पाइंडिंग के लिए। आप इसकी जगह सूजी या मैदा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नमक डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, इससे हमारा नाश्ता बहुत चटपटा बनकर रेडी होगा। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी बाउल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरीके की बाउल बनाकर रेडी करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारे बाउल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आइए चलते हैं गैस की तरफ। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान आसान रेसिपीज लाते रहते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसको कैसे आगे बना। ये देखिए अब हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। इस तरीके की एक जाली ली है और जाली पे हम ये पूरा नाश्ता सीखने के लिए। ये देखिए नाश्ता हमारा स्टीम कर चुका। अब हम इसके अंदर एक छोटा हल्का सा चटपटा सा तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने करी पत्ता डाला है, सरसों के दाने, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चुटकी हल्दी पाउडर डाला। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हम इसके अंदर नाश्ता डाल देंगे और अच्छे से भून कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए नाश्ता हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको फिर से याद दिला दें, आपको अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए अभी हम आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने नाश्ते की प्लेटिंग कर ली है। हम आपको दिखाते हैं कि हमारा नाश्ता कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा। भाई मैं तो चली इसको एंजॉय करने। आप बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी बनाई हुई ये रेसिपी कैसी लगी और हमारा वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।